तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर से ही। आप लोग को अगर आता हो तो आप लोग अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं तो हूं ही यहाँ पर। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक से। भारत संघ की राजभाषा, तो ये इंग्लिश में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। आप अधिकतर जगहों पर कभी देखेंगे तो राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है ना, या ओएल लिखा रहता है। तो जब ओएल या ऑफिशियल जब लैंग्वेज कहीं भी अगर आप शब्द देखें लिखा हुआ, तो आप समझ जाएं कि वो राजभाषा से ही संबंधित कुछ है। तो हमारे कंडीशन में, यानी भारत के कंडीशन में, भारत संघ की जो राजभाषा है, यानी संघ की जो राजभाषा है, वो हिंदी है ना। तो हम लोग हिंदी को टिक कर लेते हैं। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो हमारी संघ की राजभाषा जो हिंदी है, देवनागरी वो उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू की लिपि क्या है? सही है। उर्दू का जो लिपि, उर्दू की जो लिपि है वो है फारसी। और इंग्लिश का? रोमन नहीं, रोमन तो ये नहीं है। इंग्लिश को सर, इंग्लिश को फ्रेंच ही बोलेंगे, फ्रेंच बोल सकते हैं या फिर वहां फ्रेंच लिपि है या फ्रेंच भाषा है? सर, तो भाषा है सर, लिपि में सर, लिपि रोमन लिपि कैसे बोल सकते चलिए, रोमनी है। हैं? रोमन ओके सर। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी से जुड़े हुए सवाल पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हिंदी की जो लिपि होगी देवनागरी होगी। ठीक है, ओके। अब तीसरा सवाल है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऐसे अनुच्छेद पे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, तो ये अनुच्छेद अलग अलग आपको संख्याएं इसमें दिखेंगी, तो थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। राजभाषा के सवाल में लॉजिक मत लगाइएगा, क्योंकि एक तरह के जीके जीएस टाइप का ही क्वेश्चन है, तो होता है ऐसा मान के आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये हमारे अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है, ये उससे संबंधित है, आर्टिकल 343(1) ये इससे संबंधित है ना। तो 343 तो ठीक है, बट उसमें भी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हैं, तो आपका जो 343(1) जो है, 343(1) जो है, इस अनुच्छेद से हमारी ये संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा उसमें वर्णित है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 343 तो कॉमन है, ये हम लोगों को याद भी रहता है कि 343 343, लेकिन 1, 2, 3 में से 1 वाला है ये। ओके, चौथा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप देखिए, है ना, सॉरी, जो यहाँ पे अंकों के रूप के बारे में कहा जा रहा है। तो अंक मतलब 0, हाँ, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भारतीय जो अंकों का रूप, भारतीय अंकों का ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप माने जाएंगे, है ना। भारत जो अंकों का रूप है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होता है। तो एज इट इज ही आपको ऐसे याद रखना है कि अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप के रूप में उसको शामिल किया गया है या इस्तेमाल किया जा रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय रूप, ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय रूप याद रखिएगा अंकों के केस में। बाकी तो हम लोग जो लिख रहे हैं वो देवनागरी है ही, जो राजभाषा है वो हिंदी है, पर जो अंक इस्तेमाल हो रहे हैं वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। संसद में, अभी ये सवाल जो है संसद से संबंधित है,
कि संसद में भारत के संविधान का भाग 17, ये भाग 17 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर नजर रखिएगा, बहुत जगह क्वेश्चन इस भाग 17 के ऊपर भी आते हैं कि संसद में भारत के संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ, है ना? 14 सितंबर 1949। भाग 17 और संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ये भी लागू हुआ, तो मिलता जुलता है, याद रखिएगा। भाग 17 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, और इसी भाग 17 में बहुत कुछ दिए गए हैं, राजभाषा नीति की जानकारी सारे इसी भाग में आपको ज्यादा से ज्यादा मिलने वाले हैं, आएगा प्रश्न आगे, है ना? राजभाषा अधिनियम 1963, ये, हाँ देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि 1963 में तो लागू हुआ ही है, बट डेट वाइज अगर पूछा गया तो यहाँ पर सवाल में 10 मई, 11 मई, 9 मई तीनों दिया हुआ है, तो आपको 10 मई याद रखना है, तो याद ही रखना है, राजभाषा के सवाल में दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है। राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को पारित हुआ है, ठीक है? राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? देखो सवाल आ गया, किस भाग में है, तो कौन से भाग में है? भाग 17 में है, ठीक है? भाग 17 में राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेदों की विस्तृत सूची है, ठीक है? राजभाषा नियम के अनुसार भाषा की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गित किया गया है? ये बड़ा पेट सवाल है, हाँ ये बहुत ही पेट सवाल है, और ये ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि हर दूसरे तीसरे परीक्षाओं में ये सवाल जरूर रहता है कि पूरे भारतवर्ष को भाषा के दृष्टि क्षेत्र से, मतलब भाषा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांट के रखा गया है? क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र, ठीक है? ओके, अब इसमें से राज्यों के नाम भी याद रखने हैं कि कौन सा क क्षेत्र में आएगा, कौन सा ख क्षेत्र में आएगा और कौन सा ग क्षेत्र में आएगा, ठीक है? तो मेरे पास एक लिस्ट था, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो इसमें नहीं है, हाँ यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्लियर सामने से? ये टेबल बहुत, ये जो तालिका है बहुत ही इम्पोर्टेंट तालिका है, इसलिए मैंने इसको रखा है सामने। क क्षेत्र में अगर आप रीड करिए कौन कौन से आते हैं, एक बार याद भी हो जाएगा इसी बहाने। जितने भी शुद्ध हिंदी बोलने वाले जो राज्य हैं, जिनकी बोली हिंदी ही है, चाहे वो भ्रंश होके कुछ और भाषाएं भी हम लोग साथ में बोलते हैं, बट हमारा जो एक बृहत जनमानस है वो हिंदी को अपनाए हुए है, हिंदी का ही उच्चारण करती है, हिंदी को कामकाज में लाती है, उसमें क क्षेत्र में जो आएंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में ये अंडमान निकोबार के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत बार देखा है, और हिमाचल के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, हमने देखा हिमाचल के ऊपर भी आया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती होंगी, बट हिमाचल प्रदेश और जो उत्तरांचल है यानी उत्तराखंड है उसको इस श्रेणी में रखा गया है ना? और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी इसमें शामिल है। ख क्षेत्र में वो होंगे जहाँ पर क्षेत्रीय भाषाएं उनकी अपनी हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़। अब यहाँ जो चंडीगढ़ है ना, इस पे सवाल आते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ जनरली क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि दिल्ली के पास में है और हिमाचल के भी पास में है, तो चंडीगढ़ को मान लेते हैं कि हिंदी ही होगी, तो
या वो कक्षेत्र वाला होगा। बट यहाँ पर चंडीगढ़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, चंडीगढ़ ख क्षेत्र में आता है। पंजाब और है ना हरियाणा की राजधानी तो है, बट हरियाणा क क्षेत्र में आता है, पंजाब ख क्षेत्र में आता है, पर चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ जो राजधानी क्षेत्र है वो हमारे ख क्षेत्र में आता है। और केंद्र शासित प्रदेश में जैसे दमन एवं दीव है, अभी द्वीप को क क्षेत्र में लाए हैं। द्वीप को अभी हाल फिलहाल में एक गैजेट अभी आया है जिसमें द्वीप को, जो हम लोग घूमने जाते हैं यहाँ, वो द्वीप को क क्षेत्र में अभी डालने की पूरी तैयारी चल रही है ना। तो दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र जो है ये ख क्षेत्र में है, और इनके अलावा जितने भी बच गए, चाहे वो साउथ के, दक्षिण भारत के जितने भी हमारे राज्य हैं, वो सब ग क्षेत्र में है। उड़ीसा ग क्षेत्र में है, बंगाल ग क्षेत्र में है, और जो उत्तर पूर्व हमारे राज्य हैं वो सब ग क्षेत्र में है ना। तो जो भी तमिलनाडु तमिलनाडु ग क्षेत्र है, तो ये जो राज्य की जो सूची है ना, क और ख, इसको अगर आप याद रखिएगा तो इसके अलावा जो भी आएंगे वो सब ख, उस सब सब ग में जाएंगे। क और ख से जो बच गए वो सब के सब ग में जाएंगे, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो राजभाषा नियम लागू नहीं होता तमिलनाडु में? राजभाषा नियम वहां लागू नहीं होता, लेकिन वो पत्राचार तो करेंगे है ना, पत्राचार तो उनको करना है। वो इंग्लिश, हाँ, हम तो उनके साथ पत्राचार करेंगे ना, वो हमारे साथ पत्राचार करेंगे ना। जो भी क क्षेत्र से ग क्षेत्र के बीच में पत्राचार होगा, जो केंद्र सरकार के जो कार्यालय है तमिलनाडु में, क्या वहाँ हिंदी में कामकाज नहीं होगा, राजभाषा में कामकाज नहीं होगा? उनका प्रतिशत कम रखा गया है काम, हाँ, काम करने का प्रतिशत कम रखा गया है, पर वो राजभाषा में काम करेंगे, द्विभाषी में काम करें, जैसे भी करें, बट उनका कुछ प्रतिशत जो है उनको काम करना है वहां। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो अब उसी जो हमने तालिका भी देखी उसी के आधार पर तीन चार सवाल है यहाँ पर, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्य क क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क क्षेत्र पूछ रहा है, इसमें कौन सा होना चाहिए? राजस्थान राजस्थान होना चाहिए। तो चलो ठीक है, अब बाकी का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान तो कम में आ गया, तो गुजरात किस में आएगा? ख में आएगा। उड़ीसा, गोल उड़ीसा किस में आएगा? गोल ग में आएगा। हाँ जी, और पंजाब किस में आएगा? पंजाब पंजाब ख में आएगा। हाँ, तो गुजरात और पंजाब ख क्षेत्र है, राजस्थान क क्षेत्र है, और उड़ीसा ग क्षेत्र है। 10 नंबर सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन राज्य ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? महाराष्ट्र हमारा ख क्षेत्र है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। असम, असम ग में आएगा। अरुणाचल प्रदेश ग में आएगा, और उत्तराखंड या उत्तरांचल, हाँ ये क क्षेत्र है, सही है। चलिए 11 नंबर में ग क्षेत्र के बारे में अब पूछा जा रहा है, तो ग में आप बताइए पढ़ के ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ठीक है। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब, बट चंडीगढ़, चंडीगढ़ खास क्षेत्र है, तो चंडीगढ़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, ये सब तो हम ऐसे ही हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, नीचे हैं, हमारे दक्षिणी हिस्से में है, तो ग क्षेत्र होगा, लेकिन आपको चंडीगढ़ पे थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए 12 नंबर चलते हैं, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये हमारे एलडीसी में भी आया हुआ है, 14 सितंबर, ठीक है, ओके। नागालैंड की राजभाषा, अब हमने जो भी तालिका देखी उसमें हाँ उसमें तो नागालैंड का कोई चर्चा था नहीं, लेकिन नागालैंड की जो राजभाषा है वो
अंग्रेजी है। तो उर्दू कहाँ की है? उर्दू हमारे जम्मू कश्मीर की भी है ना? तो उर्दू के ऊपर क्वेश्चन आता है, उर्दू की उर्दू राजभाषा कौन से राज्य में है, कौन राजभाषा? उर्दू को बिहार और आंध्र प्रदेश में द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में दर्जा दिया मैं गया। वही बोलने वाला था कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ तेलुगु को राजभाषा का दर्जा है, उर्दू उसकी द्वितीय नंबर पर आने वाली भाषा है। तो बिहार में भी यही सिनेरियो है। हिंदी जो है हमारे बिहार की ऑफिशियल राजभाषा, मतलब वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। उर्दू को द्वितीय स्थान दिया गया है, ठीक है? तो कन्फ्यूज नहीं होना है, जो परफेक्ट उत्तर होगा वही देंगे। नागालैंड अंग्रेजी, सिक्किम अंग्रेजी, अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी, ये सब शब्द जो हैं, तीन चार तीन राज्य जो हैं इन पर नज़र रखिएगा कि इनके यहाँ अंग्रेजी चलती ही चलती है। और इन पर सवाल भी आए हैं, सिक्किम के ऊपर, नागालैंड के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सवाल आए हुए हैं, है ना? मेघालय, मणिपुर, इनके ऊपर। मणिपुरी तो चलो, मणिपुर का तो मणिपुरी है, बट मेघालय का भी अंग्रेजी ही है ना? राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3। अब ये 3-3 जो है, सुना है आप लोगों ने कभी पहले? इसमें 14 कब लागू, कब लागू, कब लागू हुआ बताया? 6, हाँ, 1965 को हुआ। तो एक सीक्वेंस है, याद रखिएगा आप लोग। जो राजभाषा अधिनियम बना वो 1963 में लागू हुआ, 10 मई 1963 को। उसके 2 साल के बाद ये धारा 3-3 प्रभावी हुआ है, 26 जनवरी 1965 को। अब ये धारा 3-3 में क्या होता है? धारा 3-3 में 14 प्रकार के दस्तावेज होते हैं जिनकी चर्चा की गई है, और वो 14 प्रकार के जो दस्तावेज होंगे वो द्विभाषी होंगे। उसकी एक लिस्ट है, 14 कौन कौन से उसमें दस्तावेज आएंगे, तो वो दस्तावेज का पूरा एक सूची है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही सबको? मुझे बराबर मिल रही है सर, मुझे बराबर मिल रही है सर। ठीक है, मेरी भी आवाज बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं तो मेरे यहाँ नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। तो धारा 3-3 जो है उसमें 14 प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी दी गई है, और वो 14 दस्तावेज जो हैं द्विभाषी होने चाहिए, है ना? जैसे हम लोगों का टेंडर है, निविदा जिसको बोलते हैं, वो द्विभाषी होनी चाहिए, है ना? कार्यालय आदेश हैं, वो सब द्विभाषी होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे प्रपत्र हैं जो द्विभाषी प्रकाशित होने हैं। धारा 3-3 इस चीज को, धारा 3-3 का अनुपालन में ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि जब भी कोई निरीक्षण होता है किसी भी कार्यालय का या संसदीय समिति का या किसी उच्च जो कार्यालय है हमारे राजभाषा से संबंधित, अगर उनका कहीं पर कोई निरीक्षण होता है तो ये धारा 3-3 के ऊपर विशेष नजर होती है सबकी, कि धारा 3-3 के अंतर्गत जो भी आने वाले प्रपत्र हैं या जो भी दस्तावेज हैं उनको सही तरीके से यहाँ पे रखा गया है कि नहीं, द्विभाषी है कि नहीं। उसमें रबर की मुहरें, जो मुहर है, मुहर हमेशा द्विभाषी होनी चाहिए, है ना? तो है एक लिस्ट है, आपको मैं एक PDF में शेयर कर दूंगा क्या क्या उसमें है, 14 चीजों में क्या क्या है, वो सारी द्विभाषी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए अभी आगे चलते हैं। अधिनियम और नियम, दो शब्द बड़ा इसमें ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अधिनियम से जुड़े हुए सवाल देख रहे हैं। तो राजभाषा नियम अलग है, अधिनियम अलग है। राजभाषा अधिनियम 1963 से प्रभावी है, लागू है, और राजभाषा नियम जो है वो 1976 से लागू है। तो जब भी अधिनियम सुनिए तो 1963 साल याद रखिए, और जब राजभाषा नियम सुनिए तो 1976 याद रखिए, है ना? 63 और 1976 दो अलग अलग साल हैं, दो अलग अलग वहां पे शब्द भी सुनाई देंगे आपको।
अब अगला सवाल है 15 नंबर, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा चार, ये धारा चार जो है ये संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है ना। तो धारा चार के ही संदर्भ में ये संसदीय राजभाषा समिति का जिक्र है, तो आप इसको बस इतना याद रखिए 1963 यानी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा चार से संसदीय राजभाषा समिति का संबंध है। अब संसदीय राजभाषा समिति के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, आगे आएंगे, ठीक है। गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन होते हैं, कितनी उपसमितियां होती हैं, हमारा जो रेलवे की जो जो निरीक्षण होते हैं वार्षिक निरीक्षण, वो कौन सी उपसमिति करती है, तो ये एक अच्छा सा 3-4 सवाल इससे जुड़े हुए हैं, हम आगे देखते हैं उसको, आगे बढ़े। धारा चार किसके लिए था, अधिनियम 1963 की धारा चार संसदीय राजभाषा समिति के गठन और परिचालन से संबंधित था। राजभाषा नीति के जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351, ये 9 अनुच्छेद हैं 343 से 351 जो भाग 17 में शामिल हैं। तो भाग 17 में 9 अनुच्छेद की चर्चा है, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक, ठीक है। चलिए अब फिर से देखिए, जैसे धारा चार था अभी संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित, वैसे ही अधिनियम 1963 की धारा सात जो है ये उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी के प्रयोग, ये जो अधिनियम 1963 की जो धारा सात है, धारा सात के अंतर्गत इस चीज को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये उच्च न्यायालय वाले पे भी सवाल आया हुआ है, तो आपको 1963 धारा सात याद रखनी पड़ेगी, ठीक। 18 नंबर सवाल है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं है। ये जो धाराएं 6 और 7, पहले पहले, हाँ क्या बोले, कौन सा उत्तर होना चाहिए। भी था जम्मू पहले जम्मू, कश्मीर हाँ पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, मतलब विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, इसलिए वहां पर यह लागू नहीं होते थे, लेकिन आज के डेट में जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अब जो है इनमें से कोई नहीं वाला आंसर मार्क करेंगे। जम्मू कश्मीर पहले होता था, उसमें लागू नहीं था, बट अब नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं वाला उत्तर हमारा होगा। धारा 6 और 7 जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा है। 19 नंबर है, किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो यहां से शुरू कीजिए, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कौन सी राजभाषा, तेलुगु। हरियाणा में कौन सा, हिंदी, पंजाब में, पंजाबी, जम्मू कश्मीर में उर्दू, तो यहां पर उर्दू आएगा, ठीक है, ओके। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है। संसदीय राजभाषा समिति तो एक हो ही गई, हाँ, तीन उप समितियां हैं, उसमें से जो दूसरी उप समिति है ये हमारे रेलवे के राजभाषा से संबंधित कामकाज का निरीक्षण करती है, और बहुत ही पावरफुल कमिटी है ये, और इनकी एक जो निरीक्षण होते हैं वो एक अलग ही लेवल का होता है, मतलब उसमें वाकई एक रहता है कि हमें हर चीज़ को बिल्कुल कारिंदे से दिखाना है, कुछ भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए राजभाषा से संबंधित, क्योंकि ये जो समिति है ये अपनी रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट की जो लाइनअप बने हुए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है ना। संसदीय राजभाषा समिति के लाइनअप में बहुत बड़े बड़े गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति होती है, जिसके सामने हम के समक्ष ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है, इसलिए जब भी वो आते हैं निरीक्षण के लिए तो क्षेत्रीय स्तर पर या विभागीय स्तर पर कोई भी त्रुटि ना निकले, इसके लिए
राजभाषा विभाग जम के तैयारी करता है पहले से, ठीक है। बट मैं एक अच्छा ये तो वेस्टर्नर इधर से वेस्टर्नर का भूल सर कौन सा रिसेंटली से इधर वेस्टर्न रिसेंटली का भूल आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर वेस्ट वेस्ट ठीक हाँ हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। बोलो सर वेस्टर्न रेलवे में अभी वेस्टर्न रेलवे में सर रिसेंटली का भूल सर वेस्टर्न रेलवे में रिसेंटली का भूल रिसेंटली ये वार्षिक निरीक्षण होता है ना, तो इनका एक शेड्यूल या एक आता है कब होने वाला है। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि अभी रिसेंटली कब हुआ था, बट वार्षिक निरीक्षण है तो एक बार तो होता ही होता है। अब तुम लोग मार्च के अंत में आ गए हैं, तो तो लास्ट टाइम से उज्जैन करते लास्ट टाइम कब हुआ था ध्यान नहीं है मुझे, बट कमिटी आई तो थी, ये आई थिंक अगस्त सितंबर के आसपास आई थी। चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, ये ऐसा नहीं है कि उसी महीने में आएंगी, ये तो इंस्पेक्शन है ना, तो जिस मंथ में प्लान किया जाएगा उस मंथ के हिसाब से वो खबर आ जाती है कि कब होने वाला है। हमारे यहाँ अगस्त में हुआ था सर। वो क्या सभी रजिस्ट्रो में क्या ऊपर में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों का हाँ नाम हाँ लिख के और चिपकाए जितने भी हमारे रजिस्टर एवं फाइल हैं उनमें द्विभाषी शीर्षक होने चाहिए, पहले हिंदी में रहेगा फिर अंग्रेजी में रहेगा। लेकिन जब भी कभी आप लोग फाइल बनाते हैं, मान लीजिए आप अपने स्तर पर भी कोई फाइल या रजिस्टर बनाते हैं और उसमें शीर्षक जब डालते हैं, टाइटल जब लिखते हैं फाइल का, तो द्विभाषी होनी चाहिए और द्विभाषी में अंग्रेजी नीचे होगा, हमारी जो राजभाषा हिंदी है वो ऊपर होगी। और राजभाषा हिंदी का जो फॉन्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो अंग्रेजी से छोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान हम लोग को रखना होता है, क्योंकि जब कमिटी आती है, संसदीय समिति आती है, उप समिति, तो ये सब चीज़ें भी बड़ा मतलब वो ध्यान से देखते हैं कि आपने हिंदी को अंग्रेजी के सामने कैसा रिप्रेजेंट किया है। तो हिंदी का जो फॉन्ट है वो अंग्रेजी से छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके किसी रजिस्टर में अगर ऐसा लगता है कि फॉन्ट हमने हिंदी के छोटे कर दिए हैं और उसके सापेक्ष आपको अंग्रेजी के फॉन्ट बड़े दिख रहे हैं, तो आप हिंदी के फॉन्ट को बड़े करके उसका प्रिंट लेके चिपकाइए वहाँ। क्योंकि बहुत बार होता है, हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है ये, कि हम लोग सेम फॉन्ट साइज रखते हैं बट हिंदी और इंग्लिश में हिंदी छोटा पड़ जाता है। जब प्रिंट लेके उसको देखते हैं सामने से, फिजिकल अपियरेंस जब उसका देखेंगे तो हिंदी छोटी लिखती है वहाँ पे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कभी भी हिंदी अंग्रेजी से या तो समान दिखे या थोड़ी बड़ी दिखे। तो ये धारा 3-3 के जो दस्तावेज हैं उनमें ये सब चीज़ें थोड़े वो गौर से देखी जाती हैं कि आपने हिंदी को किस तरीके से वैल्यू दी है ना। ये लाइनअप है आपके सामने स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूँ, लाइनअप है कि जो संसदीय राजभाषा समिति है उसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष एवं आलेख एवं साक्ष्य उप समिति होती है, फिर उपाध्यक्ष जो होते हैं वो साक्ष्य समिति उप समिति के अध्यक्ष होते हैं, फिर नीचे उप समितियाँ बनी हुई हैं, पहली उप समिति, द्वितीय उप समिति, तृतीय उप समिति, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं यानी संयोजक हैं, कन्वेनर जिनको बोलते हैं, कन्वेनर वो होते हैं, और तीनों उप समितियों में से एक एक सदस्य रखे जाते हैं। और फिर जो मंत्रालय हैं या जो विभाग हैं उनका इस तरीके से बंटवारा किया गया है। आप मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखिए आपको प्रथम जो उपसमिति है उसका जो उसकी जो सूची है ये बिल्कुल बाएं साइड में दी गई है, 21 इसमें मंत्रालय रखे गए हैं प्रथम उपसमिति में, प्रथम यानी पहली। दूसरे वाले में रेल मंत्रालय पहले ही नंबर पर है, तो हमारा इसी से मिला जुला क्वेश्चन आता है, हमारा तो रेल मंत्रालय से ही रेल संबंधित प्रश्न आता है इसमें। तो ये द्वितीय उपसमिति का टेबल है कि देखिए इसमें 13 मंत्रालय हैं, है ना, अंतरिक्ष विभाग भी है, विभाग एवं मंत्रालय जो कह सकते हैं, इसमें 13 हैं द्वितीय में, प्रथम वाले में 21 हैं और तृतीय वाले में 15 हैं, है ना। तो ये तीनों उप समितियों का एक कंसोलिडेटेड सूची है,
कौन कौन किस में आता है। तो हम लोग रेल मंत्रालय वाले हैं, हम द्वितीय उप समिति में आते हैं, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे इसमें डिटेल हैं कि जब उप समितियाँ का जब गठन होता है तो कौन कौन से मंत्रालय के लोग इस समिति में रहेंगे, द्वितीय में, प्रथम में, तृतीय में, है ना। जब ये संसदीय समिति जो होती है, हमारी संसदीय राजभाषा समिति, उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं, सही। हाँ, 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। हाँ, तो ये सब सवाल भी आता ही है, बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं कि संसदीय राजभाषा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 10 होती है, लोकसभा से 20 मनोनीत सदस्य हम लोग उसमें शामिल करते हैं और राजभाषा राज्यसभा से 10 सदस्यों को हम लोग इस समिति में रखते हैं और उन्हीं को फिर हम 30 लोगों को 10-10 करके 3 उप समितियों में बांट देते हैं और उसमें से जो दूसरी जो उप समिति है उसका निरीक्षण हमारे रेलवे में करने आते हैं। चलिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो केंद्र सरकार के कर्मचारी लिखा है, कर्मचारी में से किसी विशेष कर्मचारी के बारे में नहीं लिखा, विशेष कर्मचारी वर्ग के बारे में नहीं लिखा। तो ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो प्राज्ञ, प्रबोध और प्रवीण, 3 तरह के पाठ्यक्रम हैं। अब एक चौथा भी आ गया है, वो है पारंगत, ठीक है। तो पहले 3 ही चलते थे, उसके अलावा हिंदी टंकण, फिर आंसू लेखन और भी डिक्टेशन से रिलेटेड कुछ कोर्सेस थे पहले, टाइपिंग से रिलेटेड कोर्सेस थे, बट अब टंकण कर ये पारंगत करके एक नया जो है पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। बट इस प्रश्न में चूंकि पारंगत नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग बाकी सब तो हैं, प्राज्ञ है, प्रबोध है, प्रवीण है, तो इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन है इसको आप करेंगे। और ध्यान रखिएगा, पारंगत की चर्चा अब भी कोई क्वेश्चन अगर आए तो पारंगत शब्द भी ध्यान में रखिएगा कि ये भी एक तरह का पाठ्यक्रम है जो रेल कर्मचारी, जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको करवाया जा रहा है, बट उसके क्राइटेरिया होते हैं कि कौन लोग करेंगे, है ना। केंद्रीय हिंदी समिति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और लगभग रिपीटेशन सा होता रहता है इस सवाल का कि केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं नहीं प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, गृह मंत्री संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे और निदेशक राजभाषा जो है वो हमारे रेलवे जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव होते हैं। तो निदेशक राजभाषा जो आप देख रहे हो डेजिग्नेशन, ये सदस्य सचिव हैं हमारे रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के। तो आएगा ये सवाल भी बाद में आएगा, है ना, देखते हैं उसको। चलिए, 23 नंबर है, संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? अब ये शब्द आप पढ़ के रखिए, संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग, मंत्रालय अथवा विभाग कहा गया है, ठीक है ना। तो संबंधित मंत्रालय और विभाग में जो हिंदी की प्रगति की समीक्षा करती है जो समिति, उसको हम लोग सलाहकार समिति बोलते हैं। इस प्रश्न को समझ देखते भी क्लियर हो रहा होगा थोड़ा कि केंद्रीय हिंदी समिति, उसके तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास तो कोई एक विशेष मंत्रालय तो होता नहीं है, वो तो हेड ऑफ द ऑल मिनिस्ट्रीज हैं, तो उनके पास तो ये होगा नहीं। संसदीय राजभाषा समिति जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय यानी आपके कह सकते हैं कि जो गृह मंत्री हैं वो उसका अध्यक्ष होते हैं। तो बाकी बचा कौन? हिंदी सलाहकार समिति। अब ये यही हिंदी सलाहकार समिति रेलवे के संदर्भ में रेल हिंदी सलाहकार समिति हो जाती है, और अगर मान लीजिए कि कुछ और दूसरे विभाग हैं तो उनके यहाँ उनकी हिंदी सलाहकार समिति होगी, है ना। जैसे हमारे यहाँ
रेल मंत्रालय है तो रेलवे हिंदी सलाहकार समिति होगी, अगर कोयला मंत्रालय है तो उनके यहाँ कोयले वाला अलग सलाहकार समिति होगी उनके मंत्रालय के हिसाब से। तो ये मंत्रालय मंत्रालय के हिसाब से, या जो कोई विभाग है जो एक तरह से मंत्रालय के ही पोर्टफोलियो के जैसे उनका काम है, जैसे अंतरिक्ष विभाग है, अंतरिक्ष का कोई मंत्रालय नहीं होता, अंतरिक्ष विभाग है, या वो अंतरिक्ष वाला जो इसरो का जो काम काज है उसको किसी अगर मंत्रालय से अटैच कर दिया जाए तो वहाँ पर अलग हिंदी सलाहकार समिति होगी, है ना। तो ये मंत्रालय से संबंधित सलाहकार समिति ही उसके प्रगति की समीक्षा करती है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। 24 नंबर है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? 1976 को। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 24 नंबर, बहुत बार ये पूछा भी गया है, इसको घुमा घुमा के भी पूछा जाता है ना। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? हो सकता है उसमें जनवरी ना भी लिखे, सिर्फ 1976 भी लिख सकता है, जनवरी दे दिया तो भी सही, जनवरी याद रखिएगा, 1976 भी याद रखिएगा। और राजभाषा नियम भी इसी साल बना था 1976 में ही, तो वो भी याद रखिएगा। राजभाषा समिति यानी संसदीय राजभाषा समिति और राजभाषा नियम दोनों 1976 में ही एक तरह से प्रभावी हुए थे, ठीक है। 24 नंबर हो गया। अब 25 नंबर, ये हम लोगों ने पहले चर्चा कर ली है, संसदीय समिति, राजभाषा की जो संसदीय समिति है उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, ठीक है, ओके। 26 नंबर है, जो केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं साइन बोर्ड को भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो यहां पर सबसे ऊपर क्या रखेंगे? प्रादेशिक भाषा केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के अधिकारी का नाम प्रादेशिक में क्यों लिखेंगे? हिंदी में होगा सर, नहीं हाँ पहले हिंदी ज्यादा तुम्हें हमारी तरह ही हो, बिना प्रश्न पढ़े उत्तर दे देते हैं ना एग्जाम में। चलो, ये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम पूछे गए हैं। अगर हाँ, ये अगर स्टेशन की जिक्र होते ना, या किसी कोई शिलापट का या कोई ऐसा साइन बोर्ड का पूछा जाता कि वहाँ के, या तीनों लिखा रहता है ना, तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ साइन बोर्ड जो दिया हुआ है वो अधिकारी कर्मचारी के हिसाब से दिया गया, लेकिन किसी स्थल के बारे में अगर साइन बोर्ड लगाना हो या कुछ स्टेशन का नाम की जब बात कर दी जाएगी, तो फिर इसमें से तीसरा जो ऑप्शन है सबसे ऊपर प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी, तब अंग्रेजी, वो स्टेशनों के नाम पर हम लोग उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कर्मचारी अधिकारी के जब नाम की चर्चा कर दी गई है तो हिंदी या तो अंग्रेजी, और उसमें भी हिंदी ऊपर होगा, अंग्रेजी नीचे होगी, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची, अभी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं टोटल। उसमें से कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है, यानी कौन सी भाषा शामिल अभी तक नहीं है? तो नाम पढ़ के आपको, भोजपुरी, भोजपुरी, हाँ, भोजपुरी अभी तक शामिल नहीं है, बोडो को शामिल कर दिया गया है, लेकिन भोजपुरी को अभी शामिल नहीं किया गया है, इसकी मांग चल रही है, देखिए होता है कि नहीं। 28 नंबर जो है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? जम्मू तमिलनाडु है, नहीं, जम्मू कश्मीर में तो अब लागू होता है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया ना, कश्मीर तो पहले भी लागू होता था, पहले भी लागू होता था, और तमिलनाडु पर नहीं लागू होता। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, आप लोग कभी नेट पर सर्च कीजिएगा, 1965 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था हिंदी को नहीं अपनाने के संदर्भ में, तो उसके एवज में बहुत कुछ चीजें हुई हैं। तो 1976 का जब नियम बना उसमें तमिलनाडु को सेपरेट रखा गया है राजभाषा नियम के दायरे से। और वो जो आंदोलन हुआ था एंटी हिंदी, उसमें से इतने अच्छे अच्छे नेता निकल के आए जिन्होंने बहुत लंबे समय तक योगदान दिया, मतलब तमिलनाडु के
इसमें शासन व्यवस्था में, तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था, है ना। इसके बारे में बहुत सारे लिटरेचर हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। 29 नंबर है राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता यानी पीरियडिसिटी क्या है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये राजभाषा कार्यान्वयन समिति किसके, किसी मंत्रालय का, किसी विभाग का, क्या पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि रेलवे के हिसाब से बात करें, विभागीय या शाखा स्तर पर अगर हम बात करें, एक मिनट, तो थोड़ा सा रवि माइक जरा ऑफ कर लेना अपना, रविशंकर जी अपना माइक थोड़ा ऑफ कर लेना अभी थोड़ी देर के लिए। तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता जो दी गई है, ये मेंशन नहीं है कि विभाग का, मंत्रालय का या किसका, कार्यान्वयन समिति अगर कुछ कहीं की है तो किसकी है। तो हम रेलवे का मान के चलेंगे और विभागीय स्तर पर हम मान के चलेंगे कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता के बारे में पूछा गया है, तो 3 महीने में एक बार ये विभागीय स्तर पर या शाखा स्तर पर हम लोग बैठक करते हैं हिंदी के कामकाज की समीक्षा करने के लिए अपने अपने विभागों के, है ना, यूनिट वाइज, इसको यूनिट वाइज भी कह सकते हो। तो जनरली 3 महीने में एक बार ही होती है, त्रैमासिक बैठक होती है ना, तिमाही रिपोर्ट उसमें दी जाती है, धारा 3-3 का अनुपालन हुआ कि नहीं, कितने पत्राचार हुए, पत्राचार का प्रतिशत क्या हुआ, कितना हमने काम किया, कितना नहीं कर पाए, ये सब की पूरी चर्चाएं वहीं 3 महीने की बैठक में होती है, 3 महीने में एक बार होती है। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारी, अब जब यहाँ पे क्लेरिकल स्टाफ लिख दिया कि लिपिकीय कर्मचारी के लिए अंतिम पाठ्यक्रम क्या है, तो ये है प्राज्ञ, है ना। 30वां नंबर जो है वो है प्राज्ञ, प्राज्ञ की जो का जो पाठ्यक्रम है ये क्लेरिकल स्टाफ के लिए अंतिम पाठ्यक्रम है, ठीक। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता, देखिए अब यहाँ पे नगर शब्द इस्तेमाल कर दिया है ना, टोलिक बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको टोलिक बोलते हैं। तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो है उसकी जो बैठक की जो पीरियडिसिटी है वो 6 महीने में एक बार है। टोलिक का यानी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का जो पीरियडिसिटी है बैठक का, वो 6 महीने में एक बार है। इससे संबंधित एक और सवाल है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होंगे। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का के अध्यक्ष कौन होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो उस क्षेत्र विशेष के या प्रक्षेत्र के जो वरिष्ठतम अधिकारी होंगे केंद्र सरकार के, वो उसके अध्यक्ष होंगे, चाहे वो किसी भी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट से रिलेटेड हों। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में केंद्र सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी हमारे जीएम सर भी होते हैं, जो महाप्रबंधक महोदय हैं वो हमारे केंद्र सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं उस एरिया के, है ना। तो बहुत सारे जो टोलिक हैं यानी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष हैं, हमारे रेलवे के जीएम भी हैं, और उनके अंतर्गत सिर्फ रेलवे नहीं आए, उस बैठक में रेलवे के ही लोग नहीं होंगे, केंद्र सरकार के वो सभी सदस्य कार्यालय होंगे। जैसे अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो अहमदाबाद में 146 सदस्य कार्यालय हैं केंद्र सरकार के, और उसमें से जो हमारा जो आयकर विभाग है उसके जो प्रधान आयुक्त हैं, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल जो चीफ कमिश्नर हैं, प्रधान मुख्य आयुक्त जो हैं, वो यहाँ के केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, 146 यूनिट हैं, उनके भीतर सबसे वरिष्ठ अधिकारी वही हैं, प्रधान मुख्य कर आयुक्त जो हैं वो सबसे वरिष्ठतम अधिकारी हैं। तो यहाँ अहमदाबाद के जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो होंगे। लेकिन यही अगर बड़ौदा की हम बात करेंगे तो बड़ौदा में नायर के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, वो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है, समझ में आया जी सर।
हाँ, तो बस एक ही शब्द याद रखिएगा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष उस प्रक्षेत्र के जो केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के जो वरिष्ठतम अधिकारी होंगे, सबको मिला के जो वरिष्ठतम अधिकारी होंगे उनके ऊपर कोई नहीं हो सकता, वो इसके अध्यक्ष होंगे। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा जो है गृह मंत्रालय का विभाग है, तो गृह मंत्रालय की सीधे सीधे यहाँ पर बात की जा रही है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि जो एनुअल प्रोग्राम है राजभाषा का, ऑफिशियल लैंग्वेज का, वो कौन ड्राफ्ट करता है? सारे इंस्पेक्शंस, टारगेट्स, साल में क्या करना है, कितनी परीक्षाएं लेनी है, कैसे तो उसको करना है, सब कुछ यहाँ पर गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग करता है। और हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को, अब हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी मतलब कौन, जो क्षेत्र वाले लोग हैं, आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम, अभी भी अधिनियम ही यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक है, में कब संशोधन किया गया? तो 67 में राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू हुआ, लेकिन जो संशोधन हुआ वो 1967 में हुआ, और ये संशोधन उसी प्रोटेस्ट का आउटकम था जो तमिलनाडु में हुआ था, है ना। तो ये 1967 का जो संशोधन है, सॉरी, ये उसी का एक आउटकम है ना। नियम में हुआ था, दिलवासा नियम में, राजवासा नियम में हुआ नहीं, था नहीं, नियम में भी हुआ उसका। था, अधिनियम में भी हुआ है, ये इसमें 1967 में, तो नियम में भी हुआ है लेकिन अधिनियम में भी हुआ। नियम तो बहुत बाद में बना ना, 1976 में नियम बना, ये तो अभी अधिनियम, नियम हाँ ये तो अधिनियम नियम का हुआ, याद रखे सर। हाँ ये अधिनियम है। चलिए अभी देखो वही सवाल आ गया फिर से, रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस भाषा क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो त्रिभाषी होंगे, अगर प्रादेशिक भाषा इस्तेमाल की जा रही है वहां उस क्षेत्र में, तो प्रादेशिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी, ये क्रम रहेगा, है ना। तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है उर्दू भी होता है, उर्दू लिखा रहता है, फिर हिंदी लिखी होती है, फिर उसके बाद अंग्रेजी होता है, बहुत जगह पर हिंदी और अंग्रेजी ही होता है। तो जहां प्रादेशिक भाषाएं चलती हैं वहां पर प्रादेशिक भाषा का उपयोग किया जाएगा, बाकी हिंदी और अंग्रेजी का जो क्रम है वो तो पहले जैसा ही रहेगा। आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस रूप में तैयार किया जाता है? तो द्विभाषी किया जाता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाता है। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 120, 120 में ये चर्चा है, इस चीज की व्याख्या है कि संसद में कार्य हिंदी में किया जाए या अंग्रेजी में किया जाए। और इसी से मिलता जुलता सवाल है कि राज्य के विधानमंडलों में कार्य राजभाषा, राज्य की राजभाषा में हो, हिंदी में हो या अंग्रेजी में किया जाए, इसको अनुच्छेद 210 में किया गया है। तो 120 और 210, ये दो चीजों का ध्यान रखिएगा। 120 जो है, अनुच्छेद 120 है, वो संसद के संदर्भ में है, और जो अनुच्छेद 210 है वो राज्य के विधानमंडलों के संदर्भ में है, कि वहां पर संसद की जो जो विधानमंडल के जो कार्य हैं, जो कार्यालय का आज का काम काज है, वो राजभाषा जो उस राज्य की है उसमें की जाए, हिंदी में की जाए या अंग्रेजी में की जाए। तो 120 और 210 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ठीक है, 120 में हम लोग संसद को बस टैग कर लेंगे और 210 में विधानमंडल को। इसे संबंध में एक और क्वेश्चन है, आगे आएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ किन अनुच्छेदों में है? तो वो है ये 8वीं अनुसूची का जो चर्चा है वो अनुच्छेद 344(1) एवं 351 में है ना। तो इसको याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची का संदर्भ, इनको मिला के याद रखिएगा, अनुच्छेद 344(1) और 351 में है। चलिए 39 यानी 39 नंबर, राजभाषा नियम आ गया ना फिर से। राजभाषा नियम 1976 में बनाया गया, जनवरी 1976,
संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? 9 अनुच्छेद हैं। भाग 17 में 9 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक गिनोगे तो 9 आएगा, तो 9 होते हैं, 9 अनुच्छेद हैं भाग 17 में, है ना। 343 से 351 तक 9 अनुच्छेद भाग 17 में संबंधित हैं, शामिल हैं। उसके बाद राजभाषा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं, है ना, और 9 उपधाराएं हैं। तो ये मिलते जुलते हो गए तीनों, अधिनियम से संबंधित है ना, ये भाग 17 जो है अधिनियम से संबंधित है। उसमें 9 अनुच्छेद हैं, राजभाषा अधिनियम में 9 धाराएं हैं और राजभाषा अधिनियम में 9 उपधाराएं हैं, ठीक है। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग देखो अब नया शब्द आया, राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में हुई। हाँ, ये जून, अभी बहुत बार मंथ भी पूछ देता है, तो ये जून 1955, हाँ 7 जून, तो जून 1955 अगर याद रखोगे तो भी चलेगा। और ये राजभाषा आयोग के जो सुप्रीम बॉस होते हैं, आयोग के अध्यक्ष तो होंगे लेकिन वो सुप्रीम बॉस जो होंगे राष्ट्रपति होंगे, है ना। इस किस अनुच्छेद के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन किया गया? तो ऊपर वाला जो सवाल था उसी को यहाँ पे दोबारा पूछ लिया गया, 344। तो राजभाषा आयोग गठन हुआ 1955 में और वो अनुच्छेद 344 के संदर्भ के संबंधित है। तो तीन सवाल इसमें आपको निकल के आएगा, राजभाषा का आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में होता है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये सवाल हम लोगों के एलडीसी में भी पिछले साल आया था। स्वर्गीय बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, हाँ स्वर्गीय बाल गंगाधर खेर जी थे, वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे 1955 में, है ना। ओके, ये जितने भी चारों नाम दिए गए ना सबका एक एक सिग्निफिकेंस है, ये चारों नाम कहीं ना कहीं आपको सुनाई देंगे राजभाषा में। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू उस टाइम में शायद राष्ट्रपति थे आई थिंक, है ना, गोविंद वल्लभ पंत भी थे उस टाइम में और ओम मेहता जी भी थे, तो चारों नाम आपको राजभाषा से जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी भाग 6 जो है ये हमारे अनुच्छेद 210 से संबंधित है, भाग 5 120 से संबंधित है और जो भाग 6 है वो अनुच्छेद 210 से संबंधित है। 120 संसद में जो राजभाषा के कामकाज किस भाषा में किया जाए इससे संबंधित था, और जो अनुच्छेद 210 राज्य के विधानमंडल में किस भाषा में हम लोग कामकाज करेंगे उससे संबंधित था। तो देखिए मिलते जुलते तीन चार सवाल हो गए, भाग 5 में अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 120 संसद से संबंधित, जो भाग 6 है वह अनुच्छेद 210 से संबंधित है और 210 राज्य के विधानमंडल से संबंधित है। तो ये तीनों जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आप एक तरह से सोचो कि एड अप हो गए तीनों, भाग 5 भाग 6, भाग 5 अनुच्छेद 120, भाग 6 अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 120 संसद से संबंधित, अनुच्छेद 210 राज्य के विधानमंडल से संबंधित, ठीक है। चलिए, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित संबंधी समिति के प्रथम अध्यक्ष, ये जीवी पंत, हाँ स्वर्गीय जीवी पंत जी जो थे, वो जो गठित समिति जो हुई थी राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर गठित, जो उस टाइम विचार करने का काम इनकी होती है, संसदीय समिति की होती है, और गोविंद वल्लभ पंत जी उस, नहीं ये शायद सलाहकार समिति थी या संसदीय समिति थी उस टाइम में, यही थे गोविंद वल्लभ पंत जी थे समिति के प्रथम अध्यक्ष उस टाइम में। 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति, अब ये संसदीय राजभाषा समिति जैसे ही हम लोगों को देखे तो इसके अध्यक्ष जो होंगे वो गृह मंत्री होंगे, और उस टाइम 1976 में ओम मेहता जी थे गृह मंत्री, है ना। तो ये हमारे जो ओम बिरला सर हैं अभी लोकसभा अध्यक्ष,
तो इनसे मिलता जुलता नाम है, तो आप इसे भी याद रख सकते हो। ओम शब्द जो है कॉमन है अभी। तो 1976 में जो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष उस टाइम के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो ओम मेहता जी थे। तो इससे आपको मिलते जुलते तीन चार सवाल आपको याद हो जाएंगे। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में, यानी जनवरी 1976 में। जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं, और 1976 में जो गृह मंत्री थे वो ओम मेहता जी थे। तो ये सब मिलते जुलते हो गए एक तरह से आपके, ठीक है। राजभाषा नियम 1976 में ही फ्रेम हुआ था, राजभाषा नियम 1976 में ही लागू हुआ था। तो राजभाषा नियम को भी आप इसके साथ अडॉप्ट कर लो, राजभाषा नियम भी 1976 में ही बना है। अब उसी चीज को देखो, दोबारा यहां पूछ दिया संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976, ठीक है, चलेगा। 50 नंबर, निम्नलिखित में से राजभाषा अधिनियम की धारा 33 में कौन से दस्तावेज शामिल नहीं है? अब ये जो आरक्षण चार्ट है ना, पहले था, बाद में इसको हटा दिया गया है ना, पहले था बट बाद में इसको निकाल दिया गया है। तो आरक्षण चार्ट अभी के लिए आप मान के चलो कि ये धारा 33 में शामिल नहीं है। राजभाषा अधिनियम 1963, अधिनियम लिखेगा तो 1963 की बात की जाएगी, और नियम राजभाषा नियम जब लिखेगा तो 1976 की बात होगी। तो 1963 को संशोधित किया गया था 1967 में, 1967 में उसको संशोधित किया गया है अधिनियम को, है ना। तो ये सब सवाल है, हिस्ट्री की तरह ही इनको याद रखना है। चलो 1967, ओके। राजभाषा नियम 1976, देखो अधिनियम 1963 था, नियम 1976 हो गया। अब इसको संशोधित कब किया गया? तो इसको संशोधित 1987 में किया गया। पीछे तो जा नहीं सकते, 1965 1967 तो जा ही नहीं सकते क्योंकि 1976 में बना ही है। तो आगे वाला जो डेट है हमारा 1987, ये वाला हमारा मानेंगे। तो 1987 में हुआ था और 2007 में हुआ था, तो इस तरीके से दो बार संशोधित हो चुका है ये। 53 में किसमें? राजभाषा 2011 नियम 2016 देखना पड़ेगा मुझे आगे में का। हुआ, 2007 2016 2007, 2011, 2016 ऐसा सीक्वेंस है, चेक कर लेता हूँ मैं। 2007 तक का तो याद है, 11 और 16 का भी ध्यान नहीं है। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो विधि मंत्रालय जो है वो हमारे इन सभी सांविधिक, जो भी सांविधिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारे रूल्स हैं उनको अनुवाद करने की जिम्मेदारी विधि मंत्रालय की है, ठीक है। 1973 में गठित पहली बार रेल सलाहकार समिति जो गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो रेल हिंदी सलाहकार समिति के, हाँ, सलाहकार समिति के अध्यक्ष उस विभाग के या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। ये आप बस याद रखना कि जो भी सलाहकार समिति होती है उस मंत्रालय का है, सलाहकार समिति कहाँ काम करती है? मंत्रालय या विभाग के हिसाब से। तो उस विभाग के या मंत्रालय के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया जो होते हैं, वही इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे। तो रेल के बारे में कहा गया है, तो रेल का जो हिंदी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष होंगे उस टाइम में जो थे 1973 में वो ललित नारायण मिश्र जी थे। हाँ, मिश्र एल एन मिश्र जी थे। अभी कौन होगा? अभी को हमारे जो वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो इस रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। चलिए, रेलवे बोर्ड में पहली बार हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ था 1952 में, हुआ था 1952 में। तो बस ये याद करने के लिए सही है। संसदीय राजभाषा समिति के कितनी उपसमितियां हैं? तो 3 उपसमितियां हैं, हमने देख सुन ही लिया। 30 की संख्या रहती है संसदीय समिति की,
उन्हीं में से 10-10 करके 3 उपसमिति बनी हुई है, और द्वितीय उपसमिति रेल मंत्रालय के राजभाषा के कामकाज की समीक्षा करती है। 57 देखिए, वही सवाल आ गया, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के जो वरिष्ठतम अधिकारी होंगे वो हमारे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे। रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत, अब ये सवाल छोड़ देते हैं, ये अलग अलग जोन के वाइज पूछा गया है तो इसको रहने दो। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी होगी? कोकबोरो नेपाली। क्यों नहीं होगी? नेपाली कोकबोरो क्यों नहीं होगी? कोकबोरो सुना है आप लोगों ने? नहीं कोकबोरो नहीं सुना ना। त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर दो राजभाषा को मान्यता देकर रखी गई है, बंगाली और कोकबरोक। तो त्रिपुरा के दो राजभाषा हैं बंगाली एवं कोकबरोक, त्रिपुरा से संबंधित यह शब्द है कोकबरोक। ठीक है, मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हमेशा उस हमारे जो विभाग या शाखा के जो प्रमुख होंगे वो होंगे। तो मंडल रेल प्रबंधक जो है हमारे रेलवे के रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो मंडल स्तर के हैं उसके प्रमुख होंगे या अध्यक्ष होंगे। ये जो टंकण का जो दिया हुआ है ये आप लोग बस याद रखना, इसको 240 रुपीज मिलता है अभी फिलहाल प्रत्येक माह। अंग्रेजी आशुलिपिकों को जो डिक्टेशन लिखते हैं उनको, और जो टाइपिंग करते हैं उनको 160 रुपये मिलता है। तो ये रेट चार्ट है, ये आप बाद में कभी देख लेना, इसको क्लैरिफाई कर लेना, है ना। अभी इसमें बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं, तो ये तो अभी का अपडेट है, 240 और 160। हिंदी कार्यशाला में ये जो 63 नंबर है इसका भी मुझे पता नहीं है कि व्याख्यान के लिए कितना मानदेय मिलता है हिंदी कार्यशाला में, है ना। ये इसको मैं अभी थोड़ी लीव करता हूँ, क्वेश्चन को 63 नंबर को। हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए एक वक्ता को अधिकतम कितना मानदेय दिया जा सकता है? ये भी अभी कंफर्म नहीं है इसलिए इसको मैं छोड़ता हूँ। विभागीय परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंकों के प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं? कितने प्रतिशत? तो अभी हम लोग 10% होता है, चलो इसलिए 10% कम नहीं होता है। अगर राजभाषा के सभी सवाल अगर आपने ढंग से किए होंगे तो ये 10% तो आपके कहीं नहीं गए। तो ये स्कोरिंग करने के लिए राजभाषा के सवाल हम लोग अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी कर्मचारी को हिंदी पुस्तकालय का अतिरिक्त कार्य देखने के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये अलग से दिया जाता है उनकी सैलरी में। अभी अगर कहीं पर हैं और आपको अगर पुस्तकालय के देखरेख के लिए अगर आपको मनोनीत किया जाता है तो आपके पेमेंट में 1,000 रुपये एडिशनल ऐड करके दिया जाएगा, बस वहाँ के जो बाकी जो कामकाज है वो करना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा है ऑप्शन कि अगर आप हिंदी में कामकाज करते ही हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो अगर आपके स्टेशन पर या आपके जुडिक्शन में अगर कोई हिंदी की पुस्तकालय है तो आप सामने से बढ़ के पुस्तकालय अध्यक्ष का जो रोल है वो निभा सकते हैं। किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जाएगी? जब कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, डिमांड की जा सकती है। जब वो लॉ से रिलेटेड, यानी जो आपके क्या बोलते हैं, हाँ लॉ से रिलेटेड जो कानूनी जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं होते हैं वो, या जो टेक्निकल टाइप के जो हमारे जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंग्रेजी अनुवाद की डिमांड की जा सकती है। प्रवीणता प्राप्त, अब ये प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी से संबंधित जो नियम है और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी से संबंधित जो नियम है ये थोड़े आप लोग याद रखिएगा। नियम 9 जो है प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी से संबंधित रूल है कि किसी कर्मचारी को प्रवीण कम माना जाएगा, और जो नियम 10 है वो कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी के बारे में बताता है कि वो कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त
कम माना जाएगा, है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्रवीण प्राप्त कर्मचारी किसको बोलते हैं और कर साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी किसको बोलते हैं। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। नियम नौ हिंदी में प्रवीणता है, इससे संबंधित ये नियम है। नियम नौ किसका? राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत जो नियम नौ है उसकी बात की जा रही है, जो प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी के संदर्भ में लिखी गई है। क्राइटेरिया क्या है कि वो कर्मचारी प्रवीण तभी माना जाएगा जब उसने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली हो। ये जो हिंदी माध्यम है ना, इस शब्द को याद रखिएगा, जो माध्यम शब्द है वो प्रवीण प्रवीण जो कर्मचारी होंगे या प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी होंगे उनके संदर्भ में ही माध्यम की का जिक्र किया जाएगा। हिंदी माध्यम कहाँ पे? मैट्रिक की परीक्षा। बेसिक यही है कि मैट्रिक परीक्षा हिंदी माध्यम, जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा हिंदी माध्यम से पास की होगी वो ही प्रवीण माने जाएंगे, या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, यानी अल्टरनेटिव विषय के रूप में, ऑप्शनल विषय के रूप में लिया हो, तो वो कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा। जैसे मैं हूँ, मैंने 10th की परीक्षा हिंदी मीडियम से दी है तो मैं पहले से ही हिंदी में प्रवीणता प्राप्त माना जाऊंगा। और एक प्रपत्र है, व्यक्तिगत आदेश है जो हमें दिया जाता है कि आप इस पर डिक्लेयर कीजिए कि आपने हिंदी में, हिंदी के जो हमारे तो सर्विस रिकॉर्ड में तो लगे ही रहते हैं मैट्रिक की परीक्षाएं वगैरह माध्यम क्या था, तो हमें या तो हम लिख के देंगे कि हाँ हमने हिंदी की जो भी मैट्रिक की जो परीक्षा दी है, 10वीं की जो परीक्षा दी है वो हिंदी माध्यम से दी है, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हैं। इसलिए ये तीसरा जो नियम है ना, ये तीसरा वाला, ये लागू होता है मेरे केस में कि यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में घोषणा करता है उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में समझा जाएगा उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। अब जो कर्मचारी हिंदी भाषी क्षेत्र में रह के भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, वो प्रवीणता प्राप्त नहीं माना जाएगा इस रूल के हिसाब से। तो आप भी अपने आप को चेक कर लीजिए। हाँ सर, इसमें जैसे मान लीजिए कोई हिंदी भाषी क्षेत्र में है और वो सीबीएसई बोर्ड से पास किया हो तो स्थिति में तो प्रवीण नहीं माना जाएगा? नहीं, उसमें हिंदी विषय की बात नहीं की गई, यहाँ हिंदी माध्यम की बात की गई। माध्यम मीडियम में, हाँ मीडियम हिंदी होनी चाहिए, अगर वो मीडियम हिंदी नहीं है तो फिर वो प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसने ग्रेजुएशन में एक विषय हिंदी ले ली बाद में तो ये भी तो एक रूल है। ग्रेजुएशन अगर उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वो हिंदी एक विषय में ले लिया है तो फिर वो प्रवीणता प्राप्त माना ही जाएगा। ठीक है, तो ये नियम नौ है जो प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की बात करता है, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत। लेकिन जो नियम 10 है वो कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी के बारे में बात करता है। अब उसका क्राइटेरिया क्या है? यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ में, पहले वाले में क्या था? हिंदी माध्यम था, यहां पर हिंदी विषय है। तो ये सब, ये शब्दों का हेर फेर पे आपके नियम बदल रहे हैं। हिंदी माध्यम था तो नियम नौ था प्रवीणता प्राप्त के लिए, और जब हिंदी विषय लिखा गया है तो वो हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा और वो नियम 10 वहां पे लागू होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। या दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना, ये केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण जो हमारी जो एजेंसी है, संस्थान है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, वो साल में परीक्षाएं कराती है प्रवीण प्राज्ञ प्रबोध के हिसाब से, पारंगत के हिसाब से और आंसू लेखन के लिए, टंकण के लिए। तो वो हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि किसी सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा निर्दिष्ट है वो परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो यानी प्राज्ञ परीक्षा या उसके समकक्ष अगर ऐसे कोई परीक्षाएं उस विभाग में या उस योजना से रिलेटेड अगर कुछ ऐसी परीक्षाएं उसने पास कर ली हैं या उसके पास है क्वालिफिकेशंस, क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, तो
वो कार्य साधक माना जाएगा, या वो लिख के दे कर्मचारी कि उसने ये सब चीज़ों का पहले ही पालन कर लिया है, उसने हिंदी एक विषय में लेके उसने मैट्रिक की पढ़ाई की है, तो वो खुद डिक्लेरेशन देगा तो ये समझा जाएगा कि वो कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो कार्य साधक ज्ञान प्राप्त का जो नियम है नियम 9-10 है, और प्रवीणता प्राप्त जो नियम है वो नियम 9 है। और प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसका माना जाएगा, जो मैट्रिक में हिंदी मीडियम से पढ़ा हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा हो। और कार्य साधक किसको मानेंगे, जो मैट्रिक में हिंदी एक विषय के साथ लेके पढ़ा हो, चाहे वो सीबीएसई मीडियम से ही क्यों ना पढ़ा हो, और या तो उसने जो प्राज्ञ परीक्षा है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से जो आयोजित होती है प्राज्ञ परीक्षा, वो उसने पास कर ली हो, या उसके समकक्ष कोई ऐसी योजना या ऐसे कोई कोर्सेस उसने कर रखा हो, तो उसको हम कार्य साधक मानेंगे, है ना। अब इसी से एक मिलता जुलता सवाल ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि अगर किसी कार्यालय के 80% स्टाफ को अगर हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, तो उसे या उन कार्यालयों को भारत सरकार के गजट में अधिसूचित करवाया जाएगा कि ये हिंदी की जानकारी रखने वाले विभाग या यूनिट के अंतर्गत माने जाएंगे, यानी हिंदी में काम करने के लिए वो एलिजिबल माने जाएंगे 80% स्टाफ, है ना। तो जितने भी हमारी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है उसमें से 80% लोग अगर कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हैं, यानी जिन्होंने मैट्रिक में एक विषय हिंदी लेके पढ़ाई की होगी, और वो प्रतिशत अगर या प्रवीण हो जाएं या आप कार्य साधक हो जाएं, और सब मिला के अगर देखा जाए कि 80% अगर इन सभी नियमों को पालन कर रहे हैं या उसके अंतर्गत आते हैं, तो वो जो कार्यालय है वो हिंदी जो गृह मंत्रालय के जो गैजेट जो भारत सरकार का जो गैजेट है उसमें वो गैजेटेड हो जाएगा, वो गैजेटेड ऑफिस माना जाएगा हिंदी के संदर्भ में। तो इस पर भी सवाल आता है कि कितने प्रतिशत स्टाफ की जरूरत है हिंदी गैजेट में शामिल होने के लिए, 80%, ठीक है। और जो भी प्रवीणता प्राप्त हमारे कर्मचारी होंगे उनको जो कार्यालय के जो मुखिया होंगे यूनिट इंचार्ज होंगे वो एक व्यक्ति सह आदेश देंगे, यानी व्यक्तिगत आदेश देंगे कि वो एक लिस्ट दी जाती है कि वो सारे लिस्ट के अंतर्गत जो भी कार्य कामकाज हैं कार्यालय कामकाज हैं जो भी हम करेंगे वो हिंदी में ही करें, ऐसा आदेश मिलता है। और मुझे वो व्यक्तिगत आदेश यहाँ पर मिला हुआ है क्योंकि मैं प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की श्रेणी में आता हूँ, तो मुझे वो व्यक्ति से आदेश मिले हुए हैं कि ये काम, जैसे हम लोग जो भी पास पीटीओ भरते हैं आवेदन करते हैं नोट बनाते हैं या कुछ भी जो भी काम करेंगे, मतलब ऐसा कुछ भी काम छूटेगा नहीं, इतनी लंबी लिस्ट है ना उसमें से कुछ भी छूटेगा नहीं, मतलब मान के चलिए कि 100% काम जो है हिंदी में ही करना है। तो ये व्यक्ति से आदेश दी जाती है हर एक स्टाफ को जो प्रवीणता प्राप्त है। और प्रवीणता प्राप्त कौन है इसका क्राइटेरिया आपने अभी यहाँ पर ऊपर में देख लिया, ठीक है। तो चलिए वापस हम लोग लौटते हैं क्वेश्चन बैंक पे। तो नियम 9 प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी के संदर्भ में है, नियम 10 कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी के संदर्भ में है, राजभाषा नियम 1976 का जो नियम 12 है वो क्या बताता है कि प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का दायित्व उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मतलब नियम 12 में ये लिखा गया है कि जो भी कार्यालय के जो यूनिट इंचार्ज होंगे जो प्रधान होंगे वो अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी या साथी हैं उनको हिंदी में अधिकाधिक काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, या अगर वो मान लीजिए कि 80% कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हमारा कार्यालय है तो वो 100% काम या जो हमारा जो टारगेट है ख क्षेत्र के लिए और ग क्षेत्र के लिए उतना टारगेट हम लोगों को पूरा करना है, और इस चीज की जानकारी नियम 12 में दी गई है, ठीक है। नियम 12 हमेशा प्रशासनिक प्रधान को उनके जिम्मेदारियों के संबंध में बनाया गया है। 9 किसके संदर्भ में था, प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी के संबंध में, नियम 10 कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी के संबंध में था, और जो नियम 12 है वो प्रशासनिक प्रधान के राजभाषा संबंधित उनको क्या कामकाज करना है अनुपालन किस तरीके से करवाना है अपना अधीनस्थ कर्मचारियों से साथियों से उसके बारे में लिखा गया है,
नियम 9, 10 और 12 ये बड़े इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखिएगा। और 80% कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी हमारे अगर ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, तो हम राजभाषा विभाग से गृह मंत्रालय के अधीन जो भारत सरकार का जो गैजेट होगा राजभाषा का, उसमें हमें अधिसूचित किया जाएगा, हमें गैजेट किया जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव अध्यक्ष पूछता, तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सदस्य सचिव पूछा है, इसलिए जो निदेशक राजभाषा होते हैं हमारे, वो रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव होते हैं। तो ये सब थोड़ा सा आपको याद रखिएगा कि अगर अध्यक्ष पूछता तो रेलवे बोर्ड के जो हमारे चेयरमैन हैं वही हमारे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे रेलवे बोर्ड के। अगर सदस्य सचिव पूछ रहा है मतलब निदेशक राजभाषा जो होंगे वो इसके सदस्य सचिव होंगे, मतलब राजभाषा जो रेलवे बोर्ड का जो हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज डायरेक्टरेट है, राजभाषा निदेशालय है, उसके जो निदेशक होंगे वो हमारे रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव होंगे, और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होंगे अध्यक्ष। यहाँ पे नीचे सवाल आ ही गया, 72 नंबर। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होते हैं, 72 नंबर। ठीक है, ये सवाल भी बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गृह मंत्री के संदर्भ में आता है कि वो किसके अध्यक्ष हैं, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होंगे गृह मंत्री, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होंगे, यानी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होंगे, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो उस क्षेत्र के सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों को मिला के जो वरिष्ठतम अधिकारी होंगे वो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको शॉर्ट में नराकास बोलते हैं, नराकास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उसके अध्यक्ष होते हैं। मंडल स्तर पर जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष हमारे मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, DRM होते हैं। और क्षेत्रीय स्तर पर कौन होंगे, क्षेत्रीय यानी जोनल स्तर पे GM होंगे, जोनल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो GM होंगे। रेल सलाहकार समिति, जो रेल राजभाषा हिंदी जो रेल हिंदी सलाहकार समिति जो है उसके अध्यक्ष रेल मंत्री होंगे, या जो जिस किसी विभाग के या मंत्रालय के जो सलाहकार समितियां हैं उसके अध्यक्ष उस मंत्रालय के मंत्री होंगे। तो ये अध्यक्ष कौन कौन होते हैं इसकी एक लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा, एक बार बना के देख लीजिएगा, भूलेंगे नहीं आप। निम्नलिखित में से कौन केरल की राजभाषा है, मलयालम है, सिक्किम आ गया, देखो सिक्किम आ गया, सिक्किम की जो राजभाषा अंग्रेजी होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा तो अंग्रेजी, गोवा होगा तो कोंकणी होता है, और त्रिपुरा में होता है बंगला एवं कोक बरोक। तो त्रिपुरा का थोड़ा सा अलग है, त्रिपुरा का ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है ना। अब ये पुरस्कारों वाला जो है ना, पुरस्कार वाला थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा अलग से, कि रेलवे बोर्ड द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जिसको SSG ग्रेड बोलते हैं, या उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी यानी जैसे PCST होते हैं, GM होते हैं, AGM होते हैं, उनको रेल मंत्री राजभाषा रजत पुरस्कार, ये एक बहुत विशेष पुरस्कार है, रेल मंत्री रजत जो राजभाषा रजत पुरस्कार है इसकी पुरस्कार राशि कितनी होती है, तो ये 8,000 होता है। ठीक है, इसको रटना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। रेल कर्मियों की काव्य क्षेत्र में, काव्य क्षेत्र है ना, देखो पोएट्री है ना, कविता लिखने की जो पोएट्री है, काव्य क्षमता है, उसके के संदर्भ में लिखा है कि साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरुचि को बढ़ावा देने हेतु मैथिली शरण गुप्त। अब ये भी याद रखिएगा, काव्य क्षेत्र में पुरस्कार जो दिया जाता है रेल कर्मी को, या ये जनरल है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो है ना रेल मंत्री रेल कर्मियों को भी दी जाती है और जनरल भी है जो रेल मंत्रालय देता है, तो मंत्रालय स्तर का पुरस्कार है ये मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। ये काव्य क्षेत्र मैथिली शरण पुरस्कार, उपन्यास नाटक प्रेमचंद पुरस्कार, मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार,
ये सब सब क्वेश्चन आते हैं मिलते जुलते। तो पोएट्री है, काव्य क्षेत्र यानी कविता वगैरह के बारे में अगर जो पुरस्कार है वो है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, और जो द्वितीय पुरस्कार है वो 10,000 है। प्रथम पुरस्कार 20,000 होता है, ये हाँ ये पहला पुरस्कार के लिए 20, 10, 7, ये सेकंड के लिए है, और ये तीसरे के लिए है। तृतीय पुरस्कार 7,000 होती है। तो पहला पुरस्कार 20,000, द्वितीय पुरस्कार 10,000, और तीसरा पुरस्कार 7,000। तो यहाँ द्वितीय के बारे में पूछा गया है इसलिए यहाँ पर 10,000 उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कथा उपन्यास नाटक तीनों विधा है। कथा उपन्यास नाटक या गद्य साहित्य अगर आप लिखते हैं, इस क्षेत्र में अगर आप उल्लेखनीय कार्य करते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार दी जाती है। और इसमें भी जो ब्रैकेट है वो यही है 20, 10, 7। तो तृतीय पुरस्कार पूछा गया है तो उस हिसाब से ये 7,000 होगा यहाँ पे। ठीक है, 20, 10, 7 का ब्रैकेट है। रेलवे बोर्ड द्वारा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, हमारे सीनियर डीएसटी लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको जूनियर प्रशासनिक ग्रेड बोलते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड बोलते हैं, के अधिकारी अथवा अराजपत्रित वर्ग को दिए जाने वाले राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार, ये जीएम लेवल का पुरस्कार है जो हमारे जोनल लेवल पर राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाता है, उसकी पुरस्कार राशि कितनी होती है। तो रेलवे बोर्ड द्वारा, सॉरी, ये रेलवे बोर्ड का पुरस्कार है ना। तो रेलवे बोर्ड का जो पुरस्कार है, जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एंड लोअर यानी अराजपत्रित यानी नॉन गेजेटेड जो कर्मचारी हैं उनको जो दी जाती है वो दी जाती है 1,500, है ना, 1,500 याद रखिएगा इसको। ये सब रटना पड़ेगा थोड़ा सा लिख के, जेजी या उससे जो बिलो जो अधिकारी हैं, क्योंकि एसएचजी से ऊपर तो फिर वो पुरस्कार मिल ही रहा था, राजभाषा रजत पुरस्कार 7,000, 8,000 वाला, लेकिन उसे नीचे का जो पुरस्कार है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार वो 1,500 का है। केंद्र सरकार के कार्मिकों उसमें जिसमें रिटायर्ड वाले भी शामिल हैं, सेवानिवृत्त सहित लिखा हुआ है। हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए, अब ये बहुत बड़े बड़े पुरस्कार है भाई, मौलिक लेखन पुरस्कार के लिए यहाँ पे 1,00,000 रुपये दी जाती हैं प्रथम पुरस्कार के लिए। 1,00,000 रुपये मौलिक लेखन के लिए यानी जो मौलिक पुस्तक लेखन होती है उसके लिए प्रथम पुरस्कार, वो भी कौन सा पुरस्कार है, राजभाषा गौरव पुरस्कार। ये पुरस्कार का नाम भी जरा याद रखिएगा कि मौलिक लेखन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है राजभाषा गौरव पुरस्कार, और वो प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वो 1,00,000 है। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ की राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भाग 17 से संबंधित है। क्षेत्रीय रेल स्तर पर रेल हिंदी टिप्पण, ये कंपटीशन है, एक तरह की प्रतियोगिता है, क्षेत्रीय स्तर पर होती है और यूनिट स्तर पर भी होता है यानी मंडल स्तर पर भी होता है, जब हिंदी पखवाड़ा होता है उस समय में। तो हिंदी पखवाड़ा में क्या होता है, मंडल स्तर पर होता है, और वहां जो प्रथम पुरस्कार जो जिनको मिलता है मंडल स्तर पर या यूनिट स्तर पर, उनको फिर क्षेत्रीय रेल स्तर की जो प्रतियोगिता होती है टिप्पण लेखन का, प्रारूप लेखन का, उसमें फिर भेजा जाता है, और वहां पे फिर पुरस्कार जो मिलते हैं वो जीएम के हाथ से उनको दिया जाता है, महाप्रबंधक महोदय के हाथ से दिलवाया जाता है। तो रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के लिए जो द्वितीय पुरस्कार है उसकी जो राशि है 1,600 है। तो प्रथम कितनी होगी, 2,400, 2,400, 2,400 ना, प्रथम 2,400, सेकंड 1,600, प्रथम जो है वो है 2,000 है, दूसरा 1,600 है, तृतीय 1,200 है, और जो प्रोत्साहन है वो 800 रुपये है। ठीक है, मैं दिखाऊं, चलो मैं दिखाता हूं। देखो ये मुझे मिला था यहाँ यूनिट स्तर पर, मतलब इसी तरीके की प्रतियोगिता जो होती है वो वहां होती है मंडल स्तर पर। तो जो प्रथम पुरस्कार विजेता होते हैं उनको 2,000 रुपये मिलते हैं,
तो हिंदी टिप्पणी प्रारूप लेखन में प्रथम स्थान पे 2,000 रुपये हैं। ये जीएम के उसमें जाएंगे तो उसमें देखो क्या मिलता है ना, तो ये नहीं है, वो दूसरा है, वो वाला इसमें नहीं है। हाँ तो ये प्रथम पुरस्कार 2,000 वाला है, मैंने जीएम लेवल पर भी जीता है। जब मैं यहाँ प्रथम आया अपने यूनिट स्तर पर, मतलब इंजीनियरिंग कारखाना स्तर पर 5 यूनिट हैं, उसमें पांचों में मैं फर्स्ट आया, तो मुझे भेजा गया चर्चगेट, मतलब वहाँ महान प्रबंधक महोदय स्तर पर जो परीक्षा होती है, यानी ये क्षेत्रीय स्तर पर जो बोलते हैं, उसमें मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला था। तो द्वितीय पुरस्कार में ये 1600 वाली जो पुरस्कार राशि है वो मिली थी, और एक प्रशस्ति पत्र मिला था। ठीक है, चलिए। हिंदी पखवाड़ा बोले सर, ये ऐसे हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 28 सितंबर था ना, हिंदी मतलब वो पखवाड़ा 14 सितंबर वाला जो वीक है ना, उसके आसपास वाला जो 15 दिन का जो होता है टेन्योर, उसमें हम लोगों का हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इसे 1 सितंबर के समय पूरा नहीं होता था ना, तो नहीं क्वेश्चन ये आता है हिंदी पखवाड़ा का। वो शुरुआत जो होती है वो पहले से ही हो जाती है, शुरुआत पहले से ही होती है। वो 15 दिन का स्लॉट है, वो 15 दिन का स्लॉट कहीं से भी शुरू हो सकता है। मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम है, बहुत विशेष कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का या गृह मंत्रालय स्तर का या कुछ ऐसा स्पेशल ओकेजन आ गया, तो वो पखवाड़ा आगे पीछे शिफ्ट भी होता है ना। बट कोशिश की जाती है कि हिंदी दिवस के ऊपर ही वो सारे आपको पुरस्कार वितरण करा दिए जाएं, 14 तारीख को ही करा जाए। तो शुरुआत तो 1 तारीख से करेंगे ना, चलिए। तो ये 86 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सर्वाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना वो राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार योजना है। तो नॉमिनेशन भेजे जाते हैं कि एक साल में किसने बहुत अच्छे से हिंदी में कामकाज किया है, या उसको व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है। यूनिट स्तर पर, मंडल स्तर पर, जोनल स्तर पर वो नाम रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है। तो वो व्यक्तिगत पुरस्कार है ना, व्यक्तिगत पुरस्कार योजना है वो। ओके, केंद्रीय हिंदी शिक्षण, अभी जैसे ये मेरा देखा था ना आपने, ये दूसरा जो मैंने दिखाया था आपको, अच्छा मैंने हटा दिया, कोई बात नहीं। एक जीएम लेवल पे मुझे जीएम के हाथों मिला था व्यक्तिगत पुरस्कार, वो क्षेत्रीय स्तर पर मिला था। तो ये 87 जो है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण योजना, जो हिंदी शिक्षण योजना है उसके अंतर्गत जो प्रवीण प्राज्ञ प्रबोध की जो परीक्षाएं ली जाती हैं, या आशु लेखन की या टंकण की, तो उसकी परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाती हैं, दोबारा मई मई और नवंबर में। ये भी याद रखिएगा कि मई और नवंबर में 2 बार परीक्षाएं ली जाती हैं, और वो परीक्षाएं कौन लेता है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण जो संस्थान है उसके द्वारा आयोजित की जाती हैं। और वो योजना क्या है, हिंदी शिक्षण योजना है, वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग, 1 अक्टूबर 1961। ये हिस्ट्री की तरह याद करना है इसको, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना, इसका जो हेड है कोंकणी मणिपुरी नेपाली, इसको शॉर्ट में हम लोग नमक कहते हैं, नमक, न म क, न से नेपाली, म से मणिपुरी और कोंकणी, ये पहले नहीं थे। शुरुआत में जब हम लोग ये 8वीं अनुसूची जब जारी हुई थी तो उसमें 14 भाषाएं शामिल की गई थी, है ना, तो सिर्फ 14 जो भाषाएं थी उसमें ये कोंकणी मणिपुरी नेपाली नहीं थे, तो इसको बाद में शामिल किया गया है। बट वो कौन से संशोधन में शामिल किया गया है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, 89 नंबर पर, कि कौन से संशोधन में इसको शामिल किया गया है। 1992 ये 71वां है, 92 में ये संशोधन हुआ था 8वीं अनुसूची में, जिसमें नमक को शामिल किया गया था। तो 71वें में नमक को शामिल किया गया था, और 92वां जो है, 92वां संशोधन जब हुआ था उसमें बोडो मास को शामिल किया गया था। इसको याद रखिएगा, बोडो मास, पहला जो था नमक 71वें संशोधन 1992 में, और जो 92वां संशोधन हुआ 2004 में हुआ था, बट उसमें बोडो मास, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी,
डोगरी कहाँ बोली जाती है? असम, जम्मू कश्मीर। डोगरी जम्मू कश्मीर में होती है। सर हिंदी का कर्म क्या है? हिंदी क्या है? का कर्म क्या है? 22वीं अनुसूची में सर हिंदी का हिंदी का कर्म क्या है सर? देखते हैं, बताते हैं आपको। हिंदी का क्रम देख लेते हैं। चलिए, खत्म ही होने वाला है, करते हैं उसको भी। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा? कौन सा होगा भाई? नियम नौ नियम 9 माना जाएगा। हाँ, कार्य साधक के बारे में फिर से ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कार्य साधक माना जाएगा नियम 10 से। और नियम 12 में क्या था कि जो प्रशासनिक प्रमुख होंगे, प्रशासनिक प्रधान जो होंगे, उनकी जवाबदेही होगी कि वो अपने कार्यालय में हिंदी के कामकाज को बढ़ावा दें, और जो भी टारगेट या जो भी नियत चीज़ें बताई गई हैं, जैसे धारा 33 है या दूसरी और भी जो जरूरी चीज़ें हैं, उनका अनुपालन हो रहा नहीं हो रहा, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रशासनिक प्रधान की। और ये वो नियम 12 में मेंशन है। हिंदी के भावी स्वरूप के विकास की परिकल्पना संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये है अनुच्छेद 351। और हमारी जो 8वीं अनुसूची का जो जिक्र है वो इसी अनुच्छेद 351 में है, और अनुच्छेद 344 एक में। तो 1951 में ही ये किस तरीके से हम लोग हिंदी को आगे लेके जाएंगे, कैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए पूरे भारत में हिंदी को लेके, तो ये सब अनुच्छेद 351 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को, है ना? संविधान सभा में इसको एक तरह से जो है नामित किया गया या प्रस्तावित किया गया 14 सितंबर 1949 को, लेकिन जो संवैधानिक दर्जा संविधान लागू होने के दिन मिला तो 26 जनवरी 1950 को मिला। फिर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अंडमान निकोबार क क्षेत्र, अच्छा दादर नगर हवेली ख क्षेत्र, चंडीगढ़ ख क्षेत्र, तेलंगाना ग क्षेत्र। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? 14। और जो 14वें नंबर पे जो भाषा थी वो थी संस्कृत।